हे गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो भाई नई सुबह की शुरुआत हो गई है भाई साहब। रात को हम आए तकरीबन 1:45 बजे। ब्लॉग एडिट करते करते बज गए 4, कब पता नहीं चला भैया। जब घड़ी देखी तो भैया 4 बज गए हैं। अब बच्चे गए थे सो, डॉली को भी नींद आ रही थी। मैंने भैया मैं ब्लॉग एडिट करके ही सोऊंगा फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह ब्लॉग आना चाहिए हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो भाई मैंने सुबह सुबह ब्लॉग अपलोड कर दिया है और टाइम तकरीबन हो चुके हैं अब 8:30 बजे। मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग लग चुका है। भैया नाश्ते की तैयारी करते हैं, पराठा खाते हैं, उसके बाद जाएंगे शॉप पर। बहुत मस्ती की, बहुत फन किया, बहुत मज़ा आया भाई। सब जने मतलब पूरी फैमिली जब मिलती है ना, इंजॉय करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंजॉय किया। आप ब्लॉग देख लेना स्कॉटवी सार्थक चैनल में, पूरी मतलब बर्थडे पार्टी को मैंने कवर किया पूरा। तकरीबन 25 मिनट का ब्लॉग है गाइस, बहुत अच्छा ब्लॉग बना है। एक बार स्कॉटवी सार्थक चैनल में जाना और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देख लेना आप, ठीक है जी। अब नाश्ता वाश्ता करते हैं, डॉली देखते हैं क्या कर रहे हैं, बच्चे रहे हैं सो। भैया मैंने कभी सोने तो उठाना नहीं है, और काकू की होगी है छुट्टी क्योंकि अब कल एग्ज़ाम है उसका, आज घर पे तैयारी करेगा। आज रवि कह रहा पापा आज तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ रिविज़न वगैरह मैम कराएगी, तो मैं घर पर बैठ के कर लूँगा। ट्यूशन वाली मैम है वो करवा लेंगी, और कल है उसका एग्ज़ाम है, और बस काकू पड़ेगा घर पर बैठ के। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी सी, पेपर है ना इसका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कल पेपर है, बस मैंने कहा थोड़ी स्नैक्स करके फ्री हो जाए। चलो भैया, और गाइस बस सब जने कह रहे थे भैया टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। भैया मैंने कहा गिफ्ट दिया है, अब किसने दिया है हमें नहीं पता, ये किसने दिया है। तो गाइस बस गाइस बहुत ही मजा आया भैया, रात को बहुत फन किया सारी फैमिली, बहुत इतना अच्छा। मजा आया कि भैया हम वहां से आकर रहे थे, इतना नाचे, इतना और तकरीबन आते आते हमें वही 1:45 के आसपास का टाइम था। हमें आता नहीं है गाइस, पर फिर भी बस सबके साथ ऐसे थोड़ा बहुत हाथ चलाना था उतना चला लिया भैया। सब जने एक एक बंदे ने डांस किया, सार्थक को भी नहीं आता डांस करना, वो भी इतना मतलब डांस करने में वो ज्यादा नहीं, थोड़ा कम शर्माता है, शहरी ने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, और बस बाकी सब सबसे ज्यादा ये थोड़ा सा साथ भैया मस्त नाचे थे। और मन्नू और पूजा भी काफी बहुत नाचे हैं, सब नाचे। कंचे तो थकी नहीं भाई, सच में कंचे के फुल चार्ज, फुल चार्ज बैटरी होकर चार्ज होकर आई हुई थी। बहुत सही, सब बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा एंजॉय किया, परफॉर्मेंस किया। और गाइस अब हमने रात को बिग बॉस देखा था, और उसके अंदर अरमान ने विशाल को मारा है। क्यों मारा है, किसने मारा आपको पता होगा भैया। देखो किसी के बारे में आप गलत बात करोगे, किसी की वाइफ को गलत बोलोगे, इन गलत वे में अगर वो कह रहा है बोला है, अगर सही वे में बोला तो भाई कटारिए के कान में बोलने का मतलब ही नहीं। तेरे को अगर आपने बोलना करना है सबके सामने बोलो, 4 लोग बैठे उनके सामने तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर बोलना कोई बुरी बात भी नहीं है, बहुत जो सुंदर है उसको सुंदर बोलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपका दिमाग सही होना चाहिए। आप अगर आप बोल रहे हो मतलब किस वे में, और उसका बोलने का स्टाइल तरीका फिर वो फिर गलत दर्शाता है। और शिवानी ने भी ये बोला है कि भैया अगर आपको ये बोलना था, शिवानी ने खुद विशाल को बोला है कि अगर आपने ये चीज़ बोलनी थी तो सबके सामने बोलते। अगर देखो ये देखने के बाद, फुटेज देखने के बाद जो फुटेज दिखाई गई है, अनिल कपूर जी ने दिखाई है फुटेज दिखाई है, तो उसके बाद उनको भी लगता है कि घर वालों को भी हाँ उसको इस वे में नहीं बोलना चाहिए था भाई। कान में 36 कैमरे लगे हैं वहाँ पर, वो तो उसको पता होना चाहिए, कोई बातें छुपती नहीं है। अगर बोलने सबके सामने बोलो, हंसी मजाक में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ मगर ये चीज में वे में बोलना भैया, देखो हर किसी को गुस्सा आएगा, अगर उनका हाथ उठे अब क्या उनको सब हुआ है क्या नहीं हुआ भैया, आप देखो क्या होता है। अभी बिग बॉस पूरा देखा नहीं है, अभी देखेंगे फिर पता लगेगा। टाइम ही नहीं मिला, कल टाइम नहीं मिला, फिर ना इतने लेट हो गए थे, कस्टमर के कोट पैंट तैयार हो गए, बस अभी पोर्टर के साथ भी जाएंगे। पोर्टर आजकल पोर्टर एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ही कस्टमर के एक ये वाला थी। ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, मैंने इनको पूरा फ्लावर्स वगैरह रोश लगा के पूरा सजा दिया एकदम बढ़िया सा। बस आ गया था मैं शॉप पे, शॉप मैंने खोल ली थी, अब किसी के डिलीवरी करानी थी इन कोट पैंट की भैया, और सारा काम ज़रूरी है कि ये जो बास्केट है उनकी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है भैया। दुकान पे भी काम भी देखना है, बहुत थकावट हुई पड़ी है इस टाइम, और बस काम कुम करते हैं। अभी लंच के लिए जाएंगे थोड़ी देर में, और पहले जाएंगे लंच के लिए, अभी थोड़ी देर में मैं घर जाऊंगा। और थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया है सबकी, हमारे फैमिली मेम्बर्स में। मैंने अभी चेक किया, तकरीबन टाइम हो चुका है 1:30 बज गया है, 1:50, और मैंने आज सुबह 9:10 बजे ही ब्लॉग डाल दिया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्कॉटवी सार्थक चैनल में, बहुत अच्छा आपको पसंद आ रहा है। पूरा फुल ब्लॉग मैंने बनाया है, पूरी मस्ती दिखाई है, इंटरटेनमेंट दिखाया है, सारी चीज़ें दिखाई हैं,
और सबके ब्लॉग बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए हमारी फैमिली को, थैंक यू सो मच। दाल बन रही है भैया, कौन सी मूंगी मछली की? अभी आज मैंने इसको भून के बनाया है। अच्छा, भून के बनी है? हाँ, अलग तरीके से बनाया। तो भाई कल बहुत हैवी खाना खा लिया, बिल्कुल सिंपल दाल चावल है भैया, ये दाल बन रही है और चावल अभी तड़का डाल के फिर उसको उबाल रही हूं ना। अच्छा, दाल चावल सिंपल वाले। मौसम में बारिश वाला मौसम हो चुका है, और ये देखो ये जो सामने मकान था ना, अब इसका जो बाथरूम है उसको बढ़ाकर बड़ा किया जा रहा है। ये साइड में जॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ऊपर भी ये देखो, पहले छोटा था, इसको इसको बाबा बड़ा कर दिया बाथरूम को, इसको बड़ा कर दिया बाथरूम को, पहले छोटा लग रहा था, पहले तो इतना। चलो बढ़िया है, ऊपर सारा होगा ना, पाँचों मंजिल का। नई स्कूटी ली है ईशु और ऋषित ने लिए, अमन भैया के सोनी भाभी के बेटे ने लिए, ये वाली नई स्कूटी आ गई है इनकी, खड़ी हुई है। कलर दिखा रहा हूँ, कलर रेड कलर का दिया है। खा रहा है खाना भाई, क्या खा रहा है आज? मैगी रात को हैवी खा के। कितने बजे सोए थे तुम? 3 बजे। हाँ, मेरे को भी 4 बज गए थे, ब्लॉक एडिट करते करते ना, बार बार कॉपीराइट लगा मेरा 3 बारी। नहीं लगा गाने, तुमने पूरा गाने वाला ब्लॉग बनाया ही नहीं तूने पूरा प्रॉपर। नहीं, मैंने पूरा गाने वाला दिखाया, उसको आगे बड़ी तेज वाला कर दिया, इसी वजह से हो गया। और मम्मी गई ऑफिस? चल बढ़िया भैया, तू अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? चल ठीक है कर। और गाइस बस सब चावल बन रहे हैं, कुछ नहीं, नीचे वो गया था, क्लिप देख रहा था, क्लिप दिखाया विशाल के, क्लिप है गोलू जिम कर रही है, वो बैठे हुए कटारिया साथ बातें कर रहे हैं। विशाल देख भाग्यशाली भैया, भाग्यशाली भैया, उसने बोला यार कैसे मत बोल, कह रहे चुप हो जा यार, मतलब भैया अगर किसी के वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, भाग्यशाली अरमान गोलू। अच्छा, हाँ अच्छा, मतलब ऐसे भैया अगर तेरी भाभी भी है कुछ है तो भैया सही तरीके से कमेंट करना, अगर ऐसे दोबारा फिर नहीं, पहले की बात ही है। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी चीज है तो भैया वो बिल्कुल थप्पड़ जायज बनता है उनका जो मारना, और देखो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा भैया, अगर किसी की वाइफ के बारे में या किसी की उसमें बोलोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी देखो थप्पड़ पड़ते रहते, पिछली बार अभिषेक ने भी मारा था भाई किसी ने किसी को, ये बिग बॉस है यहाँ पर तो ये चीजें चलती रहती हैं, कंट्रोवर्सी होती रहती है, लड़ाई जो है होती है वो तो हर सीजन में होता है, कोई ये नया सीजन थोड़ी ना यार, पहला सीजन थोड़ी ना, हर सीजन में होता रहता है भैया। अब देखो बिग बॉस के ऊपर है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, बस हम खाते हैं दाल चावल और काम कौन करते हैं अपना, बिग बॉस फैसला लेगा, वो बिग बॉस फैसला लेगा, ठीक है जी। बाकी जो बिग बॉस के अंदर है ना, 10 बंदे कह रहे हैं कि विशाल गलत है, इसकी नजर गलत है, अपने हिसाब से ये जैसे जैसे बोलता है, जिस लहजे में ये बोलता है इसकी टोंड वैसी है, कहते हैं ऐसे इसको नहीं बोलना चाहिए। 10 बंदों ने विशाल को गलत बोला है। लंच के लिए आया था और मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया मैंने पढ़े हैं अभी के भैया फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नियर तिलक नगर के आसपास ही था, तिलक नगर मेट्रो के आसपास था, अच्छा बैंकट हॉल बना हुआ था और रॉयल कासा के नाम से, और ठीक था, और खाना खुना भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया खाना बना हुआ था, स्नैक्स भी अच्छे थे, और जो भी इनका मेन कोर्स जो भी था बहुत अच्छा था, मूंग की दाल का हलवा बहुत बढ़िया था भाई, बहुत मस्त था। और बाकी बस अब लंच लुंच करते हैं और दुकान पे जाने की करते हैं, काम करने की करते हैं तैयारी, अभी वर्कशॉप जाना है। काकू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए आराम कर रहा था, भैया अब जाएगा ट्यूशन क्योंकि कल है उसका। हो चुका है ब्लॉक के एंड करने का, लंच कर चुके हैं जी हम, और आपने कर लिया डॉली लंच? हाँ जी कर लिया, मैंने तो रोटी खा ली, मेरे को चावल ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, डॉली ने खा ली रोटी, उसको चावल पसंद नहीं है भैया? नहीं पसंद है, अब थोड़ा बहुत खा के दिल करता है रोटी खा ली रात को। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉली ऐसे ऐसे करके देख लिया, आ जाओ इधर, आ जाओ उठ के आ जाओ भैया, कोई नहीं कर लो आप। तो गाइस बस जो बिग बॉस में देखो, तो हम किसी हिंसा विंसा को प्रमोट नहीं करते भैया, देखो जो हुआ है और बाकी देखो बिग बॉस फैसला लेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है, जैसे भी होगा आप लोगों को सब पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो देख दो भाई ये चीज़ें तो ऐसे भाई हर साल बिग बॉस में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वगैरह वो चीज़ें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। बिग बॉस शो नाम ही इसका बिग बॉस है भैया, है ही इसी हिसाब से, तो अभी तो OTT है, अभी मेरे ख्याल से ये शायद 1-1.5 महीने का शो है,
कितने गाइस एक बार मेरे को करेक्ट कर देना यार, एक महीने का या डेढ़ महीने का शो है, एक बार करेक्ट कर दे। तेरे बाल कैसे क्या कर रखा है तूने सर पे, ये देखना जरा। मैं कहूँ ये बाल क्यों, अरे जूड़ा बनाया हुआ था ना, ऐसे गर्मी लग रही है तो क्या करूँ बाल खोल के, कल खोल लिया था तो वैसे ही, मैंने कहा जूड़ा बना लेती हूं। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।